हाय, अयाना लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज का ट्यूटोरियल 2 से 3 साल तक के बच्चों का फ्रॉक पैटर्न है। स्क्रीन पे आप जो फ्रॉक देख रहे हो, इसमें 105 फंदे यानी कि 105 फंदे डाले गए हैं। आप इन फंदों को बढ़ा घटा सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और ये 21 फंदों के मल्टीपल में ये डिज़ाइन डाला जाएगा। अगर आप भी इस डिज़ाइन को बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अब हम चलते हैं सीधा ट्यूटोरियल पर। पहली सिलाई सीधी तरफ से बुनी जाएगी। इस सिलाई में एक फंदा स्किप करेंगे, इसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके वापस एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसके बाद ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुनेंगे और उसके बाद ऊन आगे लाके 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसके बाद ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर ऊन आगे लाके 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, और इन्हीं स्टेप्स को आपको रिपीट करते जाना है जब तक जाली नहीं आ जाती। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी अब जाली आ गई है, तो अब हमें जाली डालनी होगी। तो जाली डालने के लिए हम ऊन आगे लाएंगे। ध्यान दीजिए, एक फंदा हमने यहाँ पे शुरू में बढ़ाया था, एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक फंदा सीधा बुन देंगे। इस तरह से जाली डालते हुए हमने एक फंदा सीधा बुन दिया और यहाँ पे हमारे 21 फंदों के डिज़ाइन का एक पार्ट ओवर हो गया। अब हम वापस ऊन आगे लाके अगले 21 पार्ट के डिज़ाइन को रिपीट करेंगे, यानी कि वही एक फंदा सीधा और 2 फंदे उल्टे बुनते हुए हम हमारी इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। अब हम आते हैं दूसरी उल्टी सिलाई पर। दूसरी उल्टी सिलाई में पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, इसके बाद 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। यहाँ पे हमें जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे हम वैसा ही बुनेंगे। इसके बाद ऊन पीछे ले जाके 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब इस सिलाई में हम ऊन आगे लाके 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, इसके बाद ऊन पीछे ले जाके 2 फंदे सीधे, फिर वापस ऊन आगे लाके 1 फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके 2 फंदे सीधे, और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम हमारी पूरी दूसरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। दूसरी सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम आते हैं तीसरी सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में भी पहला फंदा स्किप किया, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए, जाली आ गई है, तो जाली के ऊपर जाली डालेंगे, ऊन आगे लाके जाली डाली और 1 फंदा सीधा बुन दिया। इसके बाद ऊन आगे लाके डिज़ाइन रिपीट करेंगे, यानी कि 2 फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे ले जाके 1 फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके 2 फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे ले जाके 1 फंदा सीधा, और इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको तब तक बुनना है जब तक जाली नहीं आ जाती। और अब हमारी वापस से जाली आ गई है, तो जाली डालने का वही प्रोसेस, ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और 3 फंदे हम सीधे बुन देंगे। अब फिर जाली आ गई है, तो जाली के ऊपर जाली डालेंगे और डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। इस तरह से हमें हमारी तीसरी सिलाई को कंप्लीट करना होगा। अब हम आते हैं चौथी उल्टी सिलाई पर। चौथी उल्टी सिलाई में पहला फंदा स्किप करेंगे और उसके बाद 5 फंदे उल्टे बुन देंगे। इसके बाद ऊन पीछे ले जाके आप देख सकते हो जो हमारे फली वाले फंदे दिख रहे हैं, इन 2 फंदों को हम सीधा बुन देंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके जो नॉट वाला फंदा है उसे उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके 2 फंदे सीधे, फिर ऊन आगे लाके 1 फंदा उल्टा, और इसी तरह से इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए आपको आपकी चौथी सिलाई को कम्प्लीट करना होगा। अब ध्यान दीजिए, हमारे वापस जाली वाले फंदे आ गए हैं, तो हम ऊन आगे लाके 7 फंदों को उल्टा बुनेंगे, और इस तरह से आप देख सकते हो हमने 7 फंदों को जो जाली वाले थे इन्हें उल्टा बुन दिया। इसके बाद हम वापस से
डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। उन पीछे ले जाके वही स्टेप, दो फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा। इस तरह से हम हमारी चौथी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब हम आते हैं पांचवी सीधी सिलाई पर। इसमें पहला फंदा स्किप किया, इसके बाद तीन फंदे सीधे बुनेंगे, इसके बाद एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके दो फंदे उल्टे, और इसी तरह से हमें इस डिज़ाइन को कंप्लीट करना होगा, यानी कि एक फंदा सीधा और दो फंदे उल्टे। ऐसा आपको तब तक करना होगा जब तक जाली नहीं आ जाती। तो यहाँ पे अब हमारी जाली आ गई है, तो अब हम जाली के ऊपर जाली डालेंगे और पांच फंदे सीधे बुनेंगे। और यहाँ पे वापस जाली आ गई है, तो जाली के ऊपर हम जाली डालेंगे और वापस डिजाइन को रिपीट करेंगे। इस तरह से हमारी पांचवी सिलाई ओवर होती है। अब हम आते हैं छठी उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में एक फंदा स्किप करके छह फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, इसके बाद ऊन पीछे ले जाके दो फंदे सीधे बुनेंगे, और फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके दो फंदे सीधे, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा, और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको जाली आने तक बुनना होगा। अब देखिए हमारे आ गए डिज़ाइन के फंदे, तो यहाँ पे जो जाली के फंदे हैं उन्हें भी हम उल्टा डिज़ाइन के फंदों के साथ बुन देंगे। तो टोटल हम यहाँ पे 9 फंदों को उल्टा बुन रहे हैं। इसके बाद उन पीछे ले जाके दो फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा, इस तरह से हम वापस डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। अब हम आते हैं सातवीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में पाँच फंदे सीधे बुनेंगे। अब जाली आ गई है, जाली के ऊपर जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा और दो फंदे उल्टे बुनते हुए हमारी पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए जाली आ गई है, तो जाली के ऊपर हम जाली डालेंगे और सात फंदे सीधे बुन देंगे। और इस तरह से सात फंदे सीधे बुनने के बाद ऊन आगे लाएंगे और एक फंदा सीधा और दो फंदा उल्टा करते हुए डिजाइन को रिपीट करेंगे। अब हम आते हैं आठवीं उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में एक फंदा स्किप करेंगे और सात फंदे उल्टे बुनेंगे। इसके बाद ऊन पीछे ले जाके दो फंदे सीधे और फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा। इस तरह से हम हमारी सिलाई को कंप्लीट करेंगे जब तक जाली नहीं आ जाती। और अब हमारे यहाँ पे डिज़ाइन के फंदे आ गए हैं, तो उन्हें हम ऊन आगे लाके 11 फंदों को प्लेन उल्टा बुन देंगे।
और इस तरह से 11 फंदों को प्लेन उल्टा बुनने के बाद हम वापस से ऊन पीछे ले जाके डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। इस तरह से 8वीं सिलाई ओवर होती है। अब हम आते हैं 9वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में पहला फंदा स्किप करेंगे, फिर 6 फंदे प्लेन सीधे बुनेंगे। इस तरह से 6 फंदे सीधे बुनने के बाद आप देख सकते हो हमारी जाली आ गई है। तो हम ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और उसके बाद ऊन आगे करके 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। इसके बाद ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर ऊन आगे लाके 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। यानी कि 9वीं सिलाई में हमें फंदों को घटाना होगा। अब तक हमने सभी सिलाइयों में फंदों को बढ़ाया था, 9वीं सिलाई में हमें फंदों को इस तरह से घटाते जाना होगा। और अब बहुत ध्यान से देखिए, हमारी जाली आ गई है। तो हम सबसे पहले ऊन आगे लाएंगे और उसके बाद 9 फंदे प्लेन सीधे बुन देंगे। इस तरह से 9 फंदे सीधे बुनने के बाद हम वापस से डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। 9वीं सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम आते हैं 10वीं उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में पहला फंदा स्किप करेंगे और फिर 8 फंदे उल्टे बुनेंगे। इस तरह से 8 फंदे उल्टे बुनने के बाद ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा। इसी तरह से हम इस डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके 13 फंदे उल्टे बुनेंगे। और इस तरह से 13 फंदे उल्टे बुनने के बाद हम वापस से डिजाइन को रिपीट करेंगे। अब हम आते हैं 11वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में पहला फंदा स्किप करेंगे और फिर 7 फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह से 7 फंदे सीधे बुनने के बाद हम ऊन आगे लाएंगे और 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। इसके लिए हम पहले फंदे को इस तरह से सिलाई पर उतारेंगे, पलट के चढ़ा देंगे और पीछे से 2 का एक कर देंगे। ऐसा हम 3 टाइम्स रिपीट करेंगे। ध्यान दीजिए, ये 11 सिलाई का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे हमने ये दूसरी बार और ये तीसरी बार 2 का एक कर दिया। इसके बाद हम एक फंदा सीधा बुनेंगे और उसके बाद जो अगले 2 फंदे हैं उन्हें सीधा सीधा 2 का एक कर देंगे। और ऐसा हम अगले 3 फंदों तक करेंगे। और आप देख सकते हो हमने 3 बार 2 का एक कर दिया। अब इसके बाद हमारी जाली आ गई है, तो ऊन आगे लाके हम जाली डालेंगे और 11 फंदे सीधे बुन देंगे। और इस तरह से 11 फंदे सीधे बुनने के बाद हम वापस से डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। इस तरह से हमारी 11वीं सिलाई ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं आखिरी सिलाई यानी कि 12वीं उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में पहला फंदा स्किप करेंगे और पूरी लाइन को प्लेन उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे हमें कोई भी डिज़ाइन नहीं डालना, इसे प्लेन उल्टा बुनते जाना है। और इसी स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम हमारी पूरी 12वीं सिलाई को कम्प्लीट करेंगे। 12वीं सिलाई के कंप्लीट होने के बाद का लुक आप देख सकते हो बनने के बाद इस तरह से आएगा। और यहीं पे हमारा आज का ट्यूटोरियल भी ओवर होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड बाय।